मैम, क्योंकि मुझे पता था कि मैं कर सकती हूँ, मेरे पास एक इफेक्टिव गाइडेंस थी मैम, कोर्स आपके कोर्स के थ्रू एक गाइडेंस थी, तो मुझे पता था कि अगर मैं थोड़ा और इसको सही से पढ़ूं, पहली बार में मैंने मॉक टेस्ट नहीं लगा पाया था क्योंकि मेरे पास टाइम की क्राइसिस थी, इसलिए मैम मुझे लगा कि नहीं, मुझे शायद अपनी ये इस कमी को ओवरकम करना चाहिए सेकेंड टाइम में। मैंने आपके शॉर्ट्स वीडियोस को काफी फॉलो किया, सारे जी सुने आपने क्या बताया, तो इसके हिसाब से मैम खुद के ऊपर भी एक कॉन्फिडेंस था और साथ में आपकी गाइडेंस थी, सबके जी सपोर्ट थे मैम, पेरेंट्स थे, हस्बैंड थे, तो मुझे लगा कि मेरे से ये हो जाएगा, मैं कर सकती हूँ। मैंने बहुत सारी रिसर्च करी, बहुत से टीचर्स के पढ़ाने के वे को देखा, सिलेबस को देखा, बट मुझे सब में सुन के आपके एक सिलेबस में, आपके पढ़ाने के तरीके में एक क्लैरिटी मिली, जहां से मुझे लगा कि सबसे बेटर मुझे समझना यहीं से फील हो रहा है। फिर जी मैंने कुछ YouTube क्लासेस जो आपने दे रखे हैं, सीरियली आपने दिए हुए हैं ब्रिटिश लिटरेचर पे, मैंने उनको सुना, उनको सुन के मुझे एक सीक्वेंस समझ में आया कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, और जी आपके पढ़ाने के वे को मैं वहां से समझ चुकी थी। तो जी इसलिए जी मैम मुझे आपके साथ जाना, सब सारे एज मैं कंपेयर करूँ बाकी औरों से, तो सब में मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट लगा और एक मैं आपसे बेटर कनेक्ट कर पाई। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और आपसे बात करना मैम, शुरू से मैंने सिर्फ वर्चुअली आपको देखा और सुना था, तो आपसे बात करना मैम एक प्रिविलेज से कम नहीं है, और मेरी थैंक यू सो मच, अचीवमेंट में सबसे बड़ा हाथ आपका है। थैंक यू सो मच मैम फॉर थैंक यू सो सपोर्टिंग मच। अस एंड मैनी मोर लाइक मी ऑल्सो मैम। हाय अंजलि, हेलो मैम, हाउ आर यू? आई एम फाइन मैम, हाउ आर यू? आई एम गुड टू। कांग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ थैंक यू ऑल, अ सो मच वेरी बिग मैम, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच हाउ आर यू फीलिंग? मैम, आई एम फीलिंग वेरी वेरी नाइस मैम। दैट इज वंडरफुल, दैट इज वंडरफुल। सो आज बहुत सारी बातें करने वाली हूँ मैं आपसे। आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस जो मैं आपकी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में आपसे पूछना चाहूंगी, जिससे यस मैम, बाकी सबको इंस्पिरेशन मिले जो आप ही की तरह नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। सो सबसे पहले तो मुझे अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं, आपने कैसे अपना एजुकेशन किया, एंड कब आपने डिसाइड किया कि आपको लेक्चरर बनना है? मैम मैं जब अपना मास्टर्स परस्यू कर रही थी तभी मेरे माइंड में ये आइडिया आया था कि मुझे लेक्चररशिप के लिए जाना चाहिए, तो मैंने मैम मास्टर्स कंप्लीट करते करते मेरी शादी हो गई, तो एक पल को मुझे लगा कि शायद अब ये ड्रीम पूरा होना शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट मैंने शादी के बाद मैम आपके कोर्स के बारे में पता चला, तो वैसे भी आपको पता है ये बहुत ज्यादा ह्यूज सिलेबस है, विदाउट गाइडेंस नथिंग कुड बी पॉसिबल मैम, एंड जी, योर कोर्स हैज प्रोवाइडेड मी अ वेरी वेरी गुड गाइडेंस, विदाउट यू इट वुडंट हैव बीन पॉसिबल थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड मैम, अप्रिसिएशन। यू आर प्रोवाइडिंग सच अ ह्यूज गाइडेंस, सच अ ह्यूज सिलेबस, एंड इस एग्जाम की ऐसी है कि कोई भी अपनी एक स्ट्रेटेजी से मैम विदाउट गाइडेंस थोड़ी देर के लिए इम्पॉसिबल सा ही लगता है, लेकिन आपकी कोर्स इस तरह से डिजाइन की हुई है, मैंने देखा उसे समझा, पहले फ्री क्लासेस को मैंने देखा उसको समझा, फिर मैंने मैम कोर्स खरीदा, फिर आपके ऑडियो लेक्चर से सारे नोट्स कंप्लीट किए, एक प्रॉपर गाइडेंस मिला मैम, तो बहुत ये ही सब बढ़िया। कुछ आपकी वजह से हो एंड पाया। एक मैरिड होने के बावजूद आपने अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ में नेट को यस टाइम मैम, दिया, क्लियर किया, इतना हरक्यूलियन सर्विस को कवर किया, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी कि यू आर एक्चुअली शोकेसिंग कि एक जो बोलते हैं ना कि एक नारी के अंदर दुर्गा माँ का वास होता है, वो सब कुछ साथ में लेके चल सकती है। यस तो मैम, दैट यस मैम, आर्ट ऑफ बैलेंसिंग सो मच इज यस मैम, समथिंग दैट वी ऑल ऑफकोर्स शुड बी मैम, लर्निंग फ्रॉम यू। थैंक बॉस मैम, आई एम यू। लकी टू हैव अ सपोर्टिंग हस्बैंड मैम, माय हस्बैंड हैज ऑलवेज सपोर्टेड मी ऑन एवरी यस, स्टेप, एंड बहुत ही विदाउट बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मेरी हिज तरफ से सपोर्ट उनको भी थैंक यू बोलिएगा।
यस फॉर मैम ऑफ कोर्स। बीइंग ट्रू फेमिनिस्ट, क्योंकि आई थिंक एक हस्बैंड अगर अपनी वाइफ को सपोर्ट करता है तो कहीं ना कहीं वो पूरी एक फैमिली का जो एक माइंडसेट है उसको चेंज कर रहा है, जो इतने यस साल की पेट्रार्की है उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा है। तो बहुत 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 ही बड़ा वो होता है, योगदान होता है ऐसे ऐसे लोगों का इस दुनिया में, स्पेशली इंडियन सोसाइटी में। तो आप कहाँ से हैं, विच सिटी आर यू फ्रॉम? मैम आई एम बेसिकली फ्रॉम बिहार, बट बी, आफ्टर मैरिज आई हैव बीन टू अमृतसर सिंस 2 ईयर्स। अच्छा अच्छा यस आप मैम। अमृतसर में अभी रह रहे हैं, क्या बात है। थोड़ा सा मुझे बताएं कि कैसे आपने शादी के बाद में नेट को भी टाइम दिया, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी किया, दोनों भूमिकाएं कैसे निभाई आपने? मैम पहले तो एक प्रॉपर टाइम की प्लानिंग लेके चलनी होती है, क्योंकि ये सिलेबस बहुत ह्यूज है। एज यू नो इट नीड्स अ प्रॉपर टाइम, प्रॉपर बैलेंस। जी तो फर्स्टली मैम आई हैव कंप्लीटेड ऑल योर ऑडियो लेक्चर्स, फर्स्टली जी बाय मेकिंग जी नोट्स। एज यू हैव ऑलवेज सेड कि नोट्स बनाना, सुन के बनाना ज्यादा इफेक्टिव होता है आपके लिए। तो सबसे पहले मैम मैंने नोट्स बनाना स्टार्ट किया। तो जब मैंने जून अटेम्प्ट को लेना चाहा, तब तक मेरी प्रिपरेशन फिनिश नहीं थी। जी देन जी लेकिन मैंने फिर भी एक अटेम्प्ट के लिए उसे लिया, स्किपिंग इंडियन जी लिटरेचर ओनली बाय डूइंग ब्रिटिश लिटरेचर, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड लिटरेरी थ्योरी। बट मैम जी आई वॉज नॉट एबल टू क्रैक द जी एग्जामिनेशन इन जून अटेम्प्ट, बिकॉज आई मिस्ड इंडियन लिटरेचर विच होल्ड्स अ मेजर पोर्सन नाउ। देन जी आफ्टर जी रिजल्ट मैम आई वॉज मच डिस्करेज्ड। देन फिर मैंने मॉक टेस्ट लेने का सोचा। फिर कोर्स जी कंप्लीट करने के बाद मैंने मॉक टेस्ट परचेज किया, वहां से मैंने टॉपिक वाइज फिर मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट किए, जो कि बहुत ही काफी बहुत इफेक्टिव रहा मैम। वहां पे रैंक कार्ड से बताते हैं ना कि जी, लीडर बोर्ड में आपका आ जाता है, यस आपका मैम यस मैम। तो कितने वहां मार्क्स कितने से में खुद आए। जी की परफॉर्मेंस जज करने में काफी हेल्प मिली। फिर मैम बस थोरली आई फॉलोड ओनली योर इंस्ट्रक्शंस, योर नोट्स एंड एवरीथिंग। पीडीएफ यू हैव समरी प्रोवाइडेड दैट आई हैव गोन थ्रू। एंड दिसंबर अटेम्प्ट वॉज माई सेकेंड अटेम्प्ट, एंड माय बाई गॉड, योर ब्लेसिंग्स गॉड सेक्स नो आई नो, वॉज एबल टू मैं क्रैक। बोलूंगी ब्लेसिंग्स। देखिए, टीचर्स का काम होता है गाइड करना। आपने जो मेहनत करी है और यस इतनी मैम खूबसूरती से आपने दोनों चीजों को बैलेंस करके जो पढ़ाई करी है, सबसे ज्यादा क्रेडिट अगर किसी को मिलना चाहिए तो वो आपको मिलना चाहिए, उसके बाद आपके हस्बैंड को मिलना चाहिए, और फिर हमें, हम टीचर्स को मिलना चाहिए। यस तो मैम ये है बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि आपने जब जून का अटेम्प्ट नहीं निकाला तो आपको जरूर डिसहार्टन फील हुआ होगा, तो यस कैसे आप मैम ओवरकम करें, कैसे आपने डिसाइड किया कि नहीं, मैं वापस दिसंबर के अटेम्प्ट की तैयारी करूंगी? मैम क्योंकि मुझे पता था कि मैं कर सकती हूँ, मेरे पास एक इफेक्टिव गाइडेंस थी मैम, कोर्स आपके कोर्स के थ्रू एक गाइडेंस थी। तो मुझे पता था कि अगर मैं थोड़ा और इसको सही से पढ़ूं, पहली बार में मैंने मॉक टेस्ट नहीं लगा पाया था क्योंकि मेरे पास टाइम की क्राइसिस थी। इसलिए मैम मुझे लगा कि नहीं, मुझे शायद अपनी ये इस कमी को ओवरकम करना चाहिए सेकेंड टाइम में। मैंने आपके शॉर्ट्स वीडियोस को काफी फॉलो किया, सारे जी सुने आपने क्या बताया, तो इसके हिसाब से मैम खुद के ऊपर भी एक कॉन्फिडेंस था, और साथ में आपकी गाइडेंस थी, सबके जी सपोर्ट थे मैम, पेरेंट्स थे, हस्बैंड थे। तो मुझे लगा कि मेरे से ये हो जाएगा, मैं कर सकती हूँ। जी बहुत बहुत ही वंडरफुल चीज आपने तो बोली बस मैम कि कंसिस्टेंसी की कंटिन्यू रखी मैंने। यस मैम बहुत बहुत बढ़िया। कैसे पेपर 1 की प्रिपरेशन आपने कैसे करी? मैम पेपर 1 की प्रिपरेशन मैंने थोड़ा मतलब बुक्स वाइज ही किया। कुछ कुछ टॉपिक्स मैम मैंने आपके कोर्स से भी, मैंने यूट्यूब फ्री वाले नोट से मैंने गाइडेंस लिए हैं, और बेसिकली पेपर 1 मैम मैंने बुक्स से ही, बुक्स के थ्रू ही कंप्लीट किया है। बुक्स के थ्रू ही आपने कंप्लीट यस किया, और मैम आपको कुछ चैलेंजेस आए थे, जैसे कोई यूनिट्स थी जहां पे आपको पेपर 1 में दिक्कतें आई, उसको आपने कैसे टैकल किया? यस मैम माय चैलेंजिंग पोर्शन वाज लॉजिकल रीजनिंग। ओके तो मैंने कुछ यूट्यूब क्लासेस, तलवीर सर उनके क्लासेस ने मैंने कंप्लीट किए थे, और बाकी के पोर्शन मैम एकेडमिक्स अच्छे होने की वजह से बाकी मुझे कोई खास दिक्कत नहीं मिली पेपर 1 के जी, टाइम पे, तो वो थोड़ा इजीली हो गया। कितना और टाइम लगभग आप देते थे पेपर 1 को, आपने कितने आवर्स दिए होंगे रेगुलर? मैम मैंने लास्ट टाइम पे 1 टू 1 2 मंथ्स लास्ट टाइम मैंने दिया है पेपर 1 को,
सारे यूनिट्स को कंप्लीट किया, उसके सारे मार्क्स भी लगाए हैं। बस लास्ट के 2 मंथ्स मैंने सीरियसली पेपर वन को ज्यादा दिया है, वैसे ज्यादा ज्यादा टाइम टाइम पेपर पेपर टू को ही दिया है। यस टू मैम, को ही दिया। बिल्कुल बिल्कुल, पेपर टू की अब बात करते हैं, तो पेपर टू में आपने क्या स्टडी मटेरियल रिसोर्सेज यूज करे, कोई बुक्स भी आपने यूज करी या किस तरीके से आपने प्रिपरेशन करी है? नो मैम, फॉर पेपर टू आई ओनली फॉलोड योर कोर्स मैम, अच्छा बिकॉज बुक्स आर लाइक ओशियंस मैम, नथिंग कुड बी क्लियरली, मतलब कुछ नहीं समझ में आता कि आप क्या करो, कहाँ से क्या करनी चाहिए, कुछ पता नहीं चलता। लेकिन एक कोर्स जो आपने जैसे बनाया है, जैसे डिजाइन किया है, उसमें सब कुछ सीरियली पता है कि हमें ब्रिटिश लिटरेचर में कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या करना है। आपने ऑडियो लेक्चर्स में ये भी बताया है कि इस पोर्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें और इसे कम दें, तो वहां से एक प्रॉपर मतलब मैम गाइडेंस मिल जाती है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो सबसे पहले मैम मैंने ब्रिटिश लिटरेचर को कंप्लीट किया एज यू हैव सेड, एंड देन बिल्कुल, आई हैव कंप्लीटेड लिटरेरी थ्योरी, लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म। एंड देन बिल्कुल मेजर मैम मेजर इंडियन इंडियन लिटरेचर इज होल्डिंग अ मेजर प्लेस नाउ वाओ, विदाउट इट। इंडियन एंड इस बार तो पोस्ट कॉलोनियल से भी बहुत क्वेश्चन यस आया है, तो आई मैम, वुड से ऑफ पोस्ट कोर्स, कॉलोनियल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। यस बिल्कुल, मैम, यस मैम क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस को आपने कैसे टैकल किया? मैम, जैसे मैंने पढ़ा था ना कोर्स में, क्रोनोलॉजिकली ही आपने सारा कुछ बताया हुआ है, तो उसको पढ़ने के बाद मुझे एग्जाम में आइडिया मिल गया सीरियली, क्योंकि मैंने सब कुछ कर रखा था, तो क्वेश्चन देख के मुझे पता चल जाता था कि इसकी पहले होगी, ये बाद में होगी, तो वहीं से मैम हेल्प मिला है कंप्लीटली। वहां से हेल्प मिला, और ऐसा मतलब पोर्शन भी था कुछ सिलेबस का जो आपने छोड़ा बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से आप कर नहीं पाए, कि आपने सब कुछ ही कवर किया? नो मैम, आई स्किप्ड यूरोपियन लिटरेचर, अच्छा, यूरोपियन आपने नहीं किया था, उसके यस बावजूद मैम, आप आपने नेट आराम से निकाल लिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई? नो मैम, नो मैम, जी 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 नथिंग। और जी बट मैंने पोस्ट कॉलोनियल और अमेरिकन लिटरेचर भी मेजरली किया ही था, बस यूरोपियन लिटरेचर मैंने स्किप किया है। कल्चरल स्टडीज भी मैंने पढ़ी है और बस। बस वही, लिटरेरी थ्योरी को बहुत चैलेंजिंग मानते हैं मोस्टली सारे एस्पिरेंट्स, तो आप उसका मेरे को थोड़ा स्ट्रैटेजी बताया, आपने लिटरेरी थ्योरी को कैसे प्रिपेयर किया? मैम लिटरेरी थ्योरी भी मैंने टॉपिक वाइज ही किया है, जहाँ से स्टार्टिंग हुई है कोर्स में आपने जैसे पढ़ाया है, मैंने सब कुछ वैसे ही फॉलो किया। और वहां से क्या होता है मैम, सब कुछ सीरियली प्रोवाइडेड है, तो एक लिंक बन जाता है मैम स्ट्रक्चरलिज्म आपने पढ़ाया है, इसके बाद पोस्ट वाले हैं, मॉडर्निज्म है, पोस्ट मॉडर्निज्म है, मैम एक सीक्वेंस बन जाता है, तो जी वो जी अपने आप ही क्लियर हो जाता है। अगर हम उसको रिपीटेडली पढ़ते रहें तो वो अपने आप क्लियर हो जाता है कि किसकी सीक्वेंस किसके साथ कैसे बन रही है। बस हमें जी मतलब जी रिपीटेडली मैम अगर उस चीज को हम बार बार गो थ्रू करें, तो मुझे उससे क्लैरिटी बहुत मिली है मैम, तो वहां से बिल्कुल, काफी हेल्प मिली। यस लिटरेरी मैम, थ्योरी समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई? वो नो मैम, नो मैम, नथिंग, आपको बहुत अच्छे से समझ यू हैव आया। थैंक एक्सप्लेन्ड वेरी वेल मैम, एक बार दो बार सुन यू, के सब समझ में आ जाता है अच्छे आ से। जाता। जी, थैंक यू सो मच। और आपने कैसे रिसर्च करी और सेलेक्ट किया कि हम लोगों के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आपको पढ़ना, इतने सारे लोग हैं, तो कैसे आपको पता चला कि हम लोगों का प्लेटफॉर्म ही आपको बेस्ट लगेगा आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से? एक्चुअली मैम, और भी जो यूट्यूब चैनल्स हैं, जो और भी टीचर्स हैं, तो उन्होंने पढ़ाई के अलावा मैम इधर उधर की बातों में ज्यादा ध्यान दिया है, मतलब मैं नहीं बोलना चाहती बट जी हैं जी कुछ, मैंने बहुत सारी रिसर्च करी, बहुत से टीचर्स के पढ़ाने के वे को देखा, सिलेबस को देखा, बट मुझे सब में सुन के आपके एक सिलेबस में, आपके पढ़ाने के तरीके में एक क्लैरिटी मिली, जहां से मुझे लगा कि सबसे बेटर मुझे समझना यहीं से फील हो रहा है। फिर जी मैंने कुछ YouTube क्लासेस जो आपने दे रखे हैं, सीरियली आपने दिए हुए हैं ब्रिटिश लिटरेचर पे, मैंने उनको सुना, उनको सुन के मुझे एक सीक्वेंस समझ में आया कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, जी और आपके पढ़ाने के वे को मैं वहां से समझ चुकी थी। तो इसलिए जी मैम मुझे आपके साथ जाना, सब सारे एड में कंपेयर करूं बाकी औरों से, तो सब में मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट लगा, और एक मैं आपसे बेटर कनेक्ट कर पाई पढ़ने के माय लिए। गॉड, थैंक यू सो मच। मेरे को खुद को बहुत अच्छा लगता है ये जान के कि जिन स्टूडेंट्स के साथ मैं बहुत रेजुनेट करती हूँ, जिनकी वाइब मुझे बहुत अच्छी लगती है, कहीं ना कहीं वो भी मुझसे रेजुनेट करते हैं, और फिर वो हम सब एक साथ जुड़ के इस प्लेटफॉर्म पे हम पढ़ाते हैं, आप लोग पढ़ते हैं, और कहीं ना कहीं हम लिटरेचर को समझने की और बेहतर तरीके से कोशिश करते हैं।
सो थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग अस. आई एम वेरी ग्लैड कि आप हमारे कोर्स में कोर्स जुड़े. मैम। जी मेरे को थोड़ा सा ये भी बताएं अंजलि कि आपने अपना डेली वीकली रूटीन कैसे बनाया, स्टडी रूटीन किस टाइप से, आप कितने घंटे रोज पढ़ते थे? मैम मैक्सिमम 8 to 9 आवर्स तो देने ही होते हैं, इससे कम में तो नहीं हो सकता। और मैम मुझे हाउस होल्ड कोर्स भी होते थे, तो मैं बीच में जी अपनी जी पढ़ाई से ब्रेक लेने के टाइम पे अपने घर के कामों को भी देखती थी, तो मेरे लिए वो ही ब्रेक होता था। इसके जी बाद जी मुझे जितना भी टाइम मिला, जब तक कि मैं थक ना जाऊं, 8 to 9 आवर्स पर डे मैक्सिमम तो चाहिए ही मैम, स्टार्टिंग में चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. एंड ये बहुत आपने अच्छा बोला कि कहीं ना कहीं आपने कैसे बैलेंस किया, जब आप पढ़ने से थक रहे हैं तो आपने घर के काम कर लिए. और ये एक आई थिंक एक भारतीय नारी की ये विशेषता है कि वो इतनी खूबसूरती से सब कुछ लेके चलती हैं. और आजकल की जेनरेशन जो आपकी मेरी जेनरेशन है, उस जेनरेशन की तो एक खासियत है कि हम डबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं. मतलब जो एक हाउस वाइफ हुआ करती थी उनको घर देखना है, जो अपने आप में एक कोर्स ट्वेंटी मैम फोर सेवन का काम है, और यहाँ पे आप वर्क भी कर रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, बाद में वर्क करेंगे, साथ में घर देखेंगे, तो आप एक्चुअली 48 आवर्स का काम 24 आवर्स में करेंगे. कोर्स मैम मैम एक एक फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि कोर्स ऐसे है कि आप कभी भी उसको अपने मतलब अकॉर्डिंग आप उसे सुन सकते हो, पढ़ सकते हो, जी तो ऐसी जी कोई टाइम की मैम बॉन्डेज नहीं होती। अपने हिसाब से मतलब आप करो, जब नहीं कर सकते आप अदर वर्क्स को देख लो, जी तो ये एक मतलब फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है, अच्छी बात है ये। जी 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 थैंक यू सो मच. स्ट्रेस कैसे हैंडल किया, मोटिवेटेड आप कैसे रहे, इतने इंटेंस पीरियड में आपने 8 8 9 9 घंटे पढ़ा है, तो जरूर स्ट्रेस हुआ होगा जब आप देखते हैं कि मेरा अभी भी इतना कोर्स बचा हुआ है, और मोटिवेशन कई बार ड्रॉप हो जाता है, थक जाते हैं पढ़ पढ़ के. कैसे उस समय आपने अपने आप को आगे बढ़ाया? कोर्स मैम मैम मैं मोटिवेटेड मेनली मैं मोटिवेटेड अपनी मदर के थ्रू रही हूँ। मैं उनसे जब जी भी बात करती हूँ काफी स्ट्रेस्ड होने के बाद, तो मेरे सारे स्ट्रेस को उन्होंने ले लिया, तो इस चीज में मतलब मेरी मदर का बहुत बड़ा रोल है। बाकी मेरे हस्बैंड जब भी ऑफिस से फ्री होते थे, तो उन्होंने मेरे स्ट्रेस को दूर करने के लिए कभी बाहर चलो इधर उधर थोड़ा बहुत, मैंने वाह. वॉकिंग का बहुत ज्यादा सहारा लिया है, वॉकिंग कर लिया, कभी म्यूजिक सुन लिया, मैं काफी रिलैक्स हो जाती थी इस चीज से। बहुत ही बढ़िया है. मतलब फैमिली सपोर्ट मुझे कई बार लगता है बहुत बहुत ही कम लोगों को नसीब होता है इतना अच्छा फैमिली सपोर्ट दोनों तरफ से, यस अपने इन लॉज की फैमिली से भी एंड अपने खुद के पेरेंटल साइड से भी. एंड आपको बहुत आप ब्लेस्ड हैं कि आपको दोनों तरफ से मिला, और आपने उस यू नो सपोर्ट को यूज करके इतना कुछ हासिल किया है. काफी लोगों का सपोर्ट तो यस मिलता है लेकिन वो लोग खुद लेजी हो जाते हैं या इतने डिटरमाइंड नहीं होते हैं कि वो सपोर्ट को वेस्ट जाने देते हैं. आपने वो वेस्ट नहीं जाने दिया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये जान के. तो यस मैम आपकी मदर ऑफ को भी कोर्स मेरी मैम तरफ से चैलेंजिंग याद हो जाता कीजिएगा. है। थैंक जी. यू मैम, थैंक यू सो मच। और आपसे बात करना मैम, शुरू से मैंने सिर्फ वर्चुअली आपको देखा और सुना था, तो आपसे बात करना मैम एक प्रिविलेज से कम नहीं है, और मेरी थैंक यू सो मच. अचीवमेंट में सबसे बड़ा हाथ आपका है। थैंक यू सो मच मैम फॉर थैंक यू सो सपोर्टिंग मच. अस एंड मैनी मोर लाइक मी ऑल्सो मैम। थैंक यू सो मच. आप इतना अप्रिसिएशन, इतने प्यार के लिए. आई रियली थिंक कि कहीं ना कहीं आप लोगों का प्यार ही है जो हम लोगों को रोज आए दिन मोटिवेट करता है कि हम अपने कोर्स को और बेहतर बनाते जाएं और क्रिस्प बनाते जाएं, कि आप जैसे बहुत लोग जो डिटरमाइंड है उनको गाइडेंस मिले और बहुत इजीली मिले, उनका कम से कम टाइम लगे और वो जल्दी से जल्दी चीजों को समझ पाए. थैंक यू सो मच, यस सो मच लव एंड अप्रिसिएशन. सो मच मैम। मुझे थोड़ा सा दो तीन सवाल और थे. मुझे एक तो ये जानना है आपने रिविजन स्ट्रैटेजी क्या थी, मतलब आपने क्या डेली रिविजन किया या आपने एग्जाम से पहले ही रिविजन किया? नो मैम आई रिवाइज डेली डेली मैम, पर अच्छा, डे जितना पढ़ा उसे डेली रिवाइज किया। डेली आपने रिवाइज किया. और प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपने सॉल्व करे हैं क्या? नो मैम मोस्टली मॉक टेस्ट ओनली। मॉक टेस्ट आपने दिए? मॉक टेस्ट जो आपके हिसाब से मतलब आपने कितने मॉक टेस्ट दिए होंगे और उसका क्या रोल आपको दिखा कि आपको प्रिपरेशन में कहाँ हेल्प मिला? मैम जब मैंने टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए, इसके बाद मॉक टेस्ट लगाने से पर्टिकुलर टॉपिक वाइज, तो वहां हाँ से मैम एनालिसिस किया, तो पता चल जाता है कि कितने स्कोर्स आ रहे हैं, क्या कहाँ गलतियां हो रही हैं, कहाँ इम्प्रूव करने की जरूरत है हमें।
तो मैम मेनली मैंने ज्यादा नहीं, मैंने 10-15 दिन मॉक टेस्ट लगाया होगा लास्ट टाइम एग्जाम से ओके पहले, और डेली लास्ट लगाया टाइम और उसको एनालाइज भी किया है। यस मैम। तो एनालाइज भी किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई लोग से मॉक टेस्ट लगा के जो स्कोर आया उसके साथ में छोड़ देते हैं। एक होता है आप वापस स्कोर को देखिए, क्वेश्चंस देखिए जो आपने गलत करे उस पे काम करिए, यस मैम ऑफ वो कोर्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा जी हेल्प जी करता है वो। जी तो मॉक टेस्ट भी आपने, हम लोगों के जो यूनिट वाइज मॉक टेस्ट हम लोग ने कोर्स के अंदर है उस वहीं से आपने लगाए हैं। यस मैम, यस मैम, मैंने बाद में फिर से मॉक टेस्ट लिया था और उसे ही लगाया मैंने। उसी को आपने लगाया, ठीक है। और ये थोड़ा सा मुझे बताएं कि जैसे इस बार का पेपर आपने जब अटेम्प्ट किया तो आपको कैसा लगा, इजी लगा, डिफिकल्ट लगा, क्योंकि आपने एक बार और पेपर दिया था तो आप कंपेयर कर पाए होंगे, या मैम आपको कुछ एज पैटर्न में कोई कंपेयर्ड चेंज देखा? टू जून मैम, आई फाउंड डिफिकल्ट पेपर वन एंड पेपर टू बोथ दिस टाइम, क्योंकि अच्छा मतलब बहुत ज्यादा मैम क्रोनोलॉजी को जोड़ देते हैं। एक क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन ऐसा लगता है कि वो लिंक्ड होते हैं, आपको बहुत कुछ सोचना पड़ता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के सॉल्व लिए। करने के लिए। यस मैम। तो जब तक आप जी डीपली उस चीज को स्टडी करके नहीं रखोगे तब तक पता नहीं चलेगा, एक क्वेश्चन एक नहीं होते हैं। मेरे हिसाब से मैम 2-3 क्वेश्चन तो लिंक्ड होते ही हैं, और इसके लिए लिंग बहुत होते पहुंच बार बार रिवाइज करने की जरूरत है ताकि हम क्लैरिटी तक पहुंच पाए आंसर देने पाए में। बिल्कुल। यस और आप खुद इस चीज की खूबसूरती देखिए ना, 94% बच्चे क्लियर नहीं कर पाते, सिर्फ 6% क्लियर करते हैं। तो वो फिल्टर करने के लिए उनको क्वेश्चंस को इतना टिपिकल बनाना पड़ता है कि हर कोई सॉल्व कर ही नहीं पाएगा, तभी वो नहीं कर फिल्टर कर पाते। पाएंगे क्रीम को और नॉर्मल लोगों। यस बिल्कुल। एग्जाम में आपका क्या अप्रोच था? 3 घंटे आपने किस तरीके से मैनेज किया और स्ट्रेस को कैसे हैंडल किया एग्जाम टाइम में? मैम, मैं पहले पेपर वन के क्वेश्चंस देख के काफी स्ट्रेस्ड हो गई थी, इतना ज्यादा कि मुझे ऐसा लगा मुझे थोड़ी फ्रेश एयर की नीड है। तो ओ मैम बहुत ज्यादा वो स्ट्रेसफुल हो जाता है, लेकिन फिर मैंने बीच में ब्रेक लिया, थोड़ा बाहर गई, पानी पिया, थोड़ा रिलैक्स होके सोचा मैंने कि मैंने क्या पढ़ा, कैसे करने की जरूरत है। थोड़ी देर में बैठी मैम ब्लैंक होके 5 मिनट, इसके बाद फिर मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया तो मैं इफेक्टिवली कर पाई उसे। नो आपने पहले पेपर वन सॉल्व किया, पहले पेपर टू सॉल्व किया, फिर मैम, पहले पेपर वन सॉल्व किया। पेपर वन किया, और पूरा सॉल्व किया कि डेटा इंटरप्रिटेशन वगैरह ये सब बाद में किया? नो मैम, जिस पोर्शन को मुझे लगा कि ये स्ट्रेसफुल बन रहा है मेरे लिए, मैंने उसे छोड़ के आगे बढ़ते गई बढ़ते गई, मैंने छोड़ के रखा क्वेश्चंस को। फिर मैं पेपर टू पे पहुंची, फिर मैंने पहले क्लैरिटी से उसे सॉल्व किया, फिर जो रेस्ट टाइम मिला मुझे लास्ट में उसमें मैंने अपने छूटे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व किया फिर। छूटे हुए क्वेश्चंस को किया। सो लास्ट में अंजलि, मैं यही पूछना चाहूंगी आपसे कि मतलब आपके लिए क्या, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे उन सब हाउसवाइफ्स को या उन सब लेडीज को जो वर्क कर रही हैं या जो अपने घर के काम के साथ में नेट की प्रिपरेशन कर रही हैं, किस तरह से उनको एक समराइज आप क्या करना चाहेंगे, किस तरह से उन्हें प्रिपरेशन करनी चाहिए? मैम मैं यही कहना चाहूंगी कि आप जैसी टीचर हो और एक सपोर्टिव फैमिली हो तो कोई भी मैम अच्छे से पढ़ के कर सकता है। और मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी यही है इस एग्जाम को क्रैक करने की मैम, स्ट्रेस मैनेज करना, क्योंकि सिलेबस काफी बड़ा है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल क्लियरली क्लैरिटी के साथ पहले आप नोट्स को बनाएं, ऑडियो लेक्चर्स के थ्रू नोट्स बनाएं, वहां से काफी कुछ क्लियर होता है। और सबसे बड़ी बात मेरी ओर से ये रहेगी कि रिवीजन इज द बेस्ट ट्रिक टू क्लियर द एग्जाम, जी और जी जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतनी ज्यादा आपको क्लैरिटी आएगी। और एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 3-4 क्वेश्चंस के हिसाब से सोचना पड़ता है, तो बार जी बार गो थ्रू कोर्स के थ्रू हम जाएं, बार बार रिवाइज करें तो इतनी ज्यादा चीजें क्लियर होती हैं। और सबसे जरूरी बात ये है कि बिल्कुल पीसफुल और काम रहने की जरूरत है, बहुत जी जी ज्यादा अपने आप को अपने स्ट्रेस को मैनेज करें, चाहे जिसे जो एक्टिविटी अच्छी लगती हो, पर एक स्ट्रेस को मैनेज करें, टाइम मैनेज करें, और पढ़ाई जितनी भी करें बार बार उसे रिवाइज करें रिवाइज और करें, पीसफुल बहुत ही माइंड बहुत रखें तो ही। जी बहुत बहुत खूबसूरती से आपने 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बताई। पीसफुल माइंड रखना कितना इंपॉर्टेंट है, हॉबीज आप चाहे करें उसके लिए, चाहे आप अपने आप को मेडिटेट करके आप स्ट्रेस रिलीव करें। सेकेंडली नोट्स पहले बना लें, नोट्स बनाना टाइम कंज्यूमिंग है बट बाद में वो बहुत हेल्प करता है आपको फटाफट बहुत सिलेबस कवर करके रिवाइज करने में।
और यस तीसरा, जितनी बार रिवीजन करें, रिवीजन आई थिंक कोई भी टॉपर को नॉर्मल एस्पिरेंट से अलग करने का एक डिसाइडिंग फैक्टर आई थिंक रिवीजन होता है। आज यस मैम, जितनी भी बार आपने, जैसे बताया कि आपने हर रोज रिवाइज किया है, कहीं ना कहीं उसने आपको कॉन्फिडेंस भी दिया है और वो चीजों को आपको भूलने नहीं दिया। आज यस काफी लोग सिलेबस इतना फटाफट कवर कर लेते हैं। आपने यूरोपियन छोड़ा था, हो सकता है आपकी तरह कोई एस्पिरेंट होता जो यूरोपियन शायद कवर कर लेता लेकिन रिवाइज नहीं करता, तो वो क्लियर नहीं कर पाता था। नहीं हो पाता मैम। हाँ मैंने यूरोपियन भी आपके सजेस्ट किए हुए के हिसाब से ही मैं छोड़ पाई, कि मुझे इतना जी कॉन्फिडेंस आया आपकी बातों को सुन के। मैं कॉन्फिडेंट थी कि मैम ने ऐसा बोला है कि विदाउट यूरोपियन भी आप कर सकते हो, तो मैंने उसे छोड़ के मतलब पोस्ट कॉलोनियल को ही ज्यादा किया और अमेरिकन को बहुत किया है पहले। तो जी एक जी आपकी जी बातों का कॉन्फिडेंट भी था कि हो सकता है ऐसे भी, तो जी मतलब जी इजी रहा फिर इस हिसाब से। फिर मैंने मैम बिल्कुल उसके बदले मैंने रिवीजन को ही मेजर ली, हमेशा से ही मेजर ज्यादा तो टाइम कोई दिया है रिवीजन को जी ही। जी नहीं, ये भी बहुत अच्छी बात है और मैं बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इस चीज में कि आपने मेरी बातों को एज इट इज उतार के एंड आपने उस पे चला। बिकॉज देखिए, हम टीचर्स तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, आज मुझे 6 साल का यस मैम, एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स को पढ़ाने का, उससे पहले मैंने खुद के सॉफ्ट स्किल इंस्टीट्यूट में बहुत स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, तो कहीं ना कहीं टीचिंग का मुझे 10-12 साल का एक्सपीरियंस है। तो मैंने उन उस बेसिस पे, 3 साल के पेपर एनालाइज करने के बाद, मैं कुछ स्टेटमेंट स्टूडेंट्स को बोलती हूँ जो मेरी क्लासेस में आते हैं कि आपके पास कम टाइम है तो आप क्या छोड़ सकते हैं। बट कई बार स्टूडेंट्स के साथ में ये होता है कि उनको लगता है कि नहीं नहीं मैम ने बोला है लेकिन हमें तो भरोसा नहीं है, तो वो फिर एक गलत डायरेक्शन में जो चले जाते हैं, तो हमारे लिए बहुत दुख की बात हो जाती है कि एक स्टूडेंट जो इतनी मेहनत कर रहा है, अगर उसने सही डायरेक्शन में मेहनत करी होती तो वो इस मेहनत में आराम से नेट क्लियर कर पाता। यस मैम, ऑफ कोर्स मैम, जी, थैंक यू सो मच अंजलि, आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि आपने हम सबको इंस्पायर किया है दैट बहुत कुछ पॉसिबल है, इवन इफ यू आर मैरिड, इवन इफ द सर्कमस्टांसेस आर नॉट एज ग्रेट एज जब आप पूरे टाइम फ्री होते हो और आपके पास और कोई काम नहीं होता बट इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना होता है। उसके बावजूद भी अगर आपके जिंदगी में और भी बहुत सारी रोल्स हैं जो आपको फुलफिल करने हैं, उसके साथ उसको साथ लेके आप कैसे एक इतने इम्पोर्टेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो हैट्स ऑफ टू योर डेडिकेशन एंड गिव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट टू योर मदर एंड योर हस्बैंड। यस मैम, मैम थैंक यू सो थैंक मच यू, मैम, इट्स थैंक यू। माय जयपुर कभी भी प्रिविलेज आने का हुआ आपका तो आप जरूर आइएगा हमसे मिलने। मैम। ऑफ कोर्स मैम, सीक योर जी जी ब्लेसिंग्स टू अस ऑलवेज एंड जी आई जी विश बिल्कुल, थैंक ग्रो एज मच एज पॉसिबल। यू सो मच, मीन्स अ लॉट टू मी, मीन्स अ लॉट टू मी, मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू, थैंक यू। बाय बाय अंजलि, टेक केयर, बाय मैम, बाय, बाय लव यू मैम। बाय बाय, लव यू टू, बाय।